अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, आज एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तक 1.8 प्रोसीड एग्जांपल 1 एंड 2 टू फाइंड द इमेज ऑफ एस ऑफ द एस सेट एस अंडर द गिवन कॉम्प्लेक्स मैपिंग। आप लोगों ने मैपिंग कौन सी यूज़ करनी है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एफ जी की फॉर्म में। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, एस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई इज इक्वल टू 3। हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो कहता है एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, एस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो मैं सबसे पहले वाई इज इक्वल टू 3 है, जब y इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब मैं सबसे पहले डोमेन वाला ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ चुके हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम लोग डायरेक्ट ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। उसके रीज़न ये है कि f z के अंदर एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं और जो मैपिंग में आ जाते हैं u प्लस आयोटा v, तो इसका मतलब ये है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट चार बन गए, लेकिन अभी तक जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने ये कहा था कि डोमेन के लिए अलग मैपिंग करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे और रेंज के लिए अलग। तो डोमेन के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू 3 है, मैंने ये y इज इक्वल टू एक्स और y कोऑर्डिनेट पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब रेंज के लिए आप लोग के पास एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है, मैंने जी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, यहाँ पे यू प्लस आयोटा वी, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजरी पार्ट अलग कर दिया। अब देखिए हमारे पास वाई की वैल्यू इसने गिवन है, तो वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 3 बन जाता है। तो हमारे इमेज सेट में क्या आएगा, एस इज ड्राइव जिससे नोट करते हैं, हमने कहा वी इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले जो डोमेन सेट के अंदर ग्राफ था, जो डोमेन सेट के अंदर था वो ये था वाई इज इक्वल टू 3 के फॉर्म में, और यहाँ पे जो रेंज सेट है वाई -3 यहाँ पे नीचे वाले नेगेटिव फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, वो कहता है एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, एस इज़ द लाइन, वाई इज इक्वल टू एक्स। अब डोमेन सेट में वो कहता है वाई इज इक्वल टू एक्स सेट, आपने ग्राफ ड्रा करना है। रेंज सेट हम लोग जानते हैं ना कि एफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। वही चीज़ मैंने, क्योंकि जी कॉन्जुगेट फॉर्म है ना, तो एक्स माइनस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। अब इसका मतलब y जिधर x होगा उधर y लिख सकते हैं, जिधर y होगा उधर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा v इज इक्वल टू होता है माइनस वाई को, मैंने y की जगह पे x लिख सकता हूँ ना, तो x लिखा। अब x की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू क्या है, यू के। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि v इज इक्वल टू माइनस यू के। अब हमारे पास जो इसका ग्राफ ड्रा होगा वो क्या होगा, u और v की फॉर्म में, और हमारे पास पहले इस फॉर्म में था ना, ये वाली लाइन थी, ये इधर लाइन थी इस तरह एक बनी हुई, अब हमारे पास नेगेटिव वाली इस तरह बन जाती है। तो एस ड्राइव सेट हमारे पास ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है एफ जी इज इक्वल टू 3 जी, एस इज द हाफ प्लेन, इमेजिनरी जी ग्रेटर देन 2। अब मैंने इसको पहले सॉल्व किया, मैंने कहा एफ जी इज इक्वल टू 3 जी होता है एफ एक्स प्लस आयोटा वाई, 3 एक्स प्लस 3 आयोटा वाई, तो रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन होती है ना, हमने उस गिवन कंडीशन को किस टाइप पे बनानी होती है, इसको देकर उस अंदाज में लाना होता है। मिसाल के तौर पर अब जैसे कि हमारे पास वाई ग्रेटर देन 2 है, अब मैंने देखना है कि वाई इधर खड़ा कहाँ पर है, यू और वी के फॉर्म में, यहाँ पर खड़ा है ना वी के साथ, अब इसके साथ क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 को मल्टीपल कर दूँगा, 3 वाई ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा ना, तो 2 के साथ, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 6। तो अब हमारे पास सेट क्या होगा, एफ जी इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी होता है ना, v हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जी होगा और वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 होगा। अब इसके ग्राफ देखते हैं, डोमेन सेट के ऊपर जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो 2 से ग्रेटर देन है ना, ये वाली लाइन इंक्लूडेड होगी, ठीक है, 2 वाली इंक्लूड नहीं होगी। अब हमारे पास क्या होते हैं, u और v की फॉर्म्स में, वो हमारे पास क्या हो गई थी, 6 बनते हैं ना, कि v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनता था। अच्छा, यहाँ से एक और केस भी हमने 3 कैसे डिस्कस की थी, हम लोगों ने कहा कि अगर a आप लोगों के पास इधर a z प्लस b था ना, b यहाँ पे क्या है, 0 था जो शिफ्ट को शो करता है, और a का मॉडल अगर ग्रेटर देन हो जाता है 1 से, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। अब ये भी कोई मैग्नीफाई हो गया था ना, कि पहले आप लोगों के पास 2 पे था, अब हमारे पास क्या हो गया, 6 पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज सेट में क्या आ गई, मैग्नीफिकेशन आ गई।
क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, कैफ जी इज इक्वल टू थ्री जी वाइल वर्टिकल स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि एक टुकड़ा आप लोगों ने उठा लेना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा है, टू लेस देन रियल ऑफ जी लेस देन थ्री होता है। तो हम लोग क्या इसको मैंने सॉल्व किया, यू की अलग वैल्यू की, वी की अलग वैल्यू लिखी, हमारे पास क्या कर दिया मैंने यहाँ पे एक्स था ना, रियल ऑफ जी एक्स होता है, तो मैंने इस एक्स को किस फॉर्म में बनाना है यहाँ पे देखे उस अंदाज में बनाना है, थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास यू बन गया। अब ये टू और थ्री की ग्राफ है और ये आप लोगों को सिक्स और नाइन के हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वन प्लस आयोटा जो होता है जीज इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रिप होती है, हमारे पास क्या होती है वैल्यू सब्सटीट्यूट की, मैंने यू वी यू प्लस आयोटा वी इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास टू एक्स बना, एक्स की वैल्यू चूँकि गिवन टू है मैंने वो पुट कर दी तो यू इज इक्वल टू फोर वी इज इक्वल टू वी फोर आ गया। हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ ये बन जाता है टू पे और हमारे पास इमेज सेट पे जो बनता है वो आप लोगों के पास क्या बन जाता है ये वाला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेवन है वो कहता है आयोटा जी प्लस फोर एस इज द हाफ प्लेन वेयर इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो लेस देन इक्वल टू थ्री है, हमने जी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, यू की वैल्यू अलग कर दी, वी की वैल्यू अलग कर दी, ठीक है। अब हमारे पास वाई लेस देन इक्वल टू वन है तो वाई को मैं पहले यहाँ पे देखूँगा कि यू के साथ खड़ा है या वी के साथ, तो उस अंदाज में बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, अब फिर यहाँ चूँकि फोर भी खड़ा है तो मैंने फोर भी मल्टीप्लाई कर ऐड कर दिया दोनों साइड से। अब हमारे पास क्या होगी, एक साठ बन गया एफ जी इक्वल टू वाई माइनस वाई प्लस फोर, जो हमारे पास रियल पार्ट थी वो क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास डोमेन सेट का ग्राफ है और ये हमारे पास रेंज सेट का ग्राफ है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।